दिखाई दे रहा नजारा प्रिथला विधानसभा के गांव गढ़खेड़ा का है, जहां पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुमन भाकर ने खेल नर्सरी में 400 मीटर ट्रैक का शुभारंभ किया। सुमन भाकर ने बताया कि खेल नर्सरी में ट्रैक निर्माण से आसपास के कई गांवों को लाभ मिलेगा, जिससे बच्चे खेलों में निखर कर आएंगे और हरियाणा में गोल्ड मेडलों में इजाफा होगा। आज गढ़खेड़ा गाँव में पहुँची है नर्सरी और सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे? मैं आज गढ़खेड़ा में खड़ी हूँ। सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देती हूँ यहाँ के सरपंच को और नो डाउट हमारी HSRLM की टीम को, मिस्टर मुकेश को, जो इस टाइप के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये सारी महिलाएं का जो सांस्कृतिक जो इसका आपका सिलाई केंद्र है, इसमें मैंने अभी इनसे इंट्रेक्शन किया है, तो काफी अच्छे इनके सजेशन और नो डाउट ये परफेक्शन की तरफ जा रही है, राइट। उसके अलावा अभी जो यहाँ पे खेल नर्सरी का हुआ है, वो यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के यूथ के लिए एक अपने आप में एक ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। आने वाले टाइम में जैसे ही वो तैयार होगा तो आसपास के गांव भी उसका पूरा फायदा उठाएंगे। विवेक जी, गांव में नर्सरी का उद्घाटन किया गया है और साथ ही साथ सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया है, विकास कार्यों में चार चांद आती नजर आ रही, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारी खेल नर्सरी का उद्घाटन कार्य का स्टार्ट हो चुका है कार्य, और मैं आपको विश्वास देगा बहुत ही जल्दी गांव गढ़खेड़ा के अंदर एक सुंदर खेल नर्सरी का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। और इसी बीच में हमारी मातृशक्ति के लिए, गांव की बहन बेटियों के लिए, माँ चाची ताइयों के लिए, जो आज गांव में ये जो आज यहां पे सिलाई सेंटर का जो अमृता हॉस्पिटल की तरफ से सिलाई सेंटर का जो यहां पे आज उद्घाटन किया गया कि हमारी गांव की जो मातृशक्ति है, जो एक सिलाई को सीखकर गांव में नए रोजगार उत्पन्न होंगे, हमारी मातृशक्ति कहीं भी अपना काम करके अपने परिवार के जीवन यापन को अच्छे से सुधार ला सकती है।